हिंदू एकता मंच ने किया शनि मंदिर में बैठक का आयोजन। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। माता की, भारत माता की, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद। हमारे पत्रकार श्यामलाल शर्मा ने जब एडवोकेट विजय शर्मा के साथ बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होती तब तक उस मासूम बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा। पूर्व सरपंच विजय टैगोत्रा ने सभी पार्टियों को उस 8 साल की मासूम बच्ची को इंसाफ के लिए सीबीआई जांच में सहयोग करने के लिए कहा। वहीं वार्ता करते हुए मशहूर एडवोकेट अंकुर शर्मा ने कहा, ये एक बहुत बड़ी साजिश है और जम्मू में भी अब कश्मीर जैसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। हीरानगर से श्यामलाल शर्मा की रिपोर्ट। हो गया तकरीबन, बात यही है कि एक सीबीआई इंक्वायरी के लिए ये सभी लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, चाहे वो मिनिस्टरों के पीछे। इसमें कोई भी राजनीतिक दल है उसको जरूरत है इस समय इनका साथ देने की, क्योंकि जो भी घटना घटी है ये निंदनीय है, लेकिन इसका समाधान भी तो सरकार ने करना है। आम जनता कैसे करेगी? जैसे जैसे ये इंक्वायरी की जा रही है, ये बिल्कुल एक तरफा इंक्वायरी हो रही है। हम चाहते हैं कि इंक्वायरी ऐसी हो जिसमें दोनों पक्ष खुश रहें, तो एक पक्ष के लोगों को उठाया जा रहा है। ये सरकार जो है लोगों की है, लोगों की चुनी हुई सरकार है और लोगों का कहना मानना पड़ेगा। जैसे जैसे ये फैसला पीछे पीछे लेते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही दुनिया जो है वो बड़ी गरमाई में आ रही है। तो मैं ये फिर अपील करूंगा महबूबा से, महबूबा जो है ये मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही कम्युनिटी की नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों की है, कश्मीर की चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर जम्मू की भी है, डोगरों की भी है। इसलिए मैं ये फिर आप ये दरख्वास्त करूंगा कि आकर इसका सही फैसला करें। सही फैसला यही है कि जब तक ये सीबीआई की इंक्वायरी नहीं होती कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। क्राइम ब्रांच की इंक्वायरी को कोई भी नहीं मानेगा। जब भी इंक्वायरी होगी तो सीबीआई की होगी और ये लेकर रहेंगे। ये बार बार में हम कह रहे हैं। धन्यवाद। जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में एक तो हमने कठुआ जिला हेडक्वार्टर में जो कल बंद रहा, सक्सेसफुल पूरा कंप्लीट बंद था, उनका शुक्रिया अदा किया और आगे की रणनीति बनाई कि हमारे हिंदू एकता मंच में जो बीजेपी के दो मंत्री आए थे उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि सीबीआई इंक्वायरी होगी और हम चीफ मिनिस्टर मैडम से बात करेंगे। आज उनका वो समय पूरा हो जा रहा है, अभी उनको हम फोन करेंगे कि उन्होंने क्या फैसला लिया, उसके बाद हम अगली कार्रवाई करेंगे। हमारा हिंदू एकता मंच जो आफसा लड़की की हत्या हुई उसके लिए इंसाफ के लिए हमने मांग की है, वो भी इसलिए कि महबूबा मुफ्ती जी ने 3-3 बार इंक्वायरियां चेंज की और हमें हीरानगर के लोगों को इसमें शक रहा कि ये न्याय नहीं करने जा रहे हैं। उसके विरोध में हमने इंडिपेंडेंट एजेंसी जो सीबीआई से मांग की कि सीबीआई इंक्वायरी करे ताकि निष्पक्ष जांच हो और जो अफसा की हत्या हुई है उसको इंसाफ मिले। लेकिन ये बीजेपी और पीडीपी की जो सरकार हमारे जम्मू कश्मीर में है ये इसमें कोई फैसला नहीं ले रही है। अगर आज ये लोग फेल होते हैं तो हम उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे, संविधान में रहते हुए और संविधान के बाहर भी हम पूरा जोश और होश से ये लड़ाई लड़ेंगे और केंद्र तक ये बात लेके जाएंगे और सीबीआई की इंक्वायरी हम करा के रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी हम अपने लीडर जो हमारे दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के लोग जो चुप बैठे हैं इनको भी हम आह्वान करना चाहते हैं कि लोगों में आए और जो बेटी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है उसके इंसाफ के लिए सब लोग इकट्ठे हो और सरकार को ये चेतावनी दे और ईंट से ईंट बजा दे और सीबीआई इंक्वायरी के लिए जोर भरे। 5-7 जो पंचायत हल्के हैं उन लोगों को इसमें बुलाया गया था और हमारी जो फर्दर इसमें क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन रहने वाला है उसमें तो अभी जो हमारे कमेटी के सदस्य हैं वो बैठे हैं, उस पर फैसला करेंगे। तो चूंकि जो थोड़े दिन पहले हमारी कूटा गांव में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसमें 2 मिनिस्टर भी आए थे और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था वो जाकर सरकार से महबूबा मुफ्ती से बात करेंगे
और जो हमारी एकमात्र मांग है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि जो जांच चल रही है ये निष्पक्ष जांच नहीं है, और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से जांच करवाया जाना बहुत जरूरी है। अभी तक मेरे को लगता है शाम तक नहीं तो कल तक ये पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है, हम जो हमारे कमेटी के सदस्य हैं वो सारे इकट्ठे बैठकर हम क्योंकि एक मत से फैसला लेते हैं। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से ये वादा करना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए हम सीबीआई से जांच करवा के रहेंगे, और उस बच्ची को तो इंसाफ मिलेगा। और जो निर्दोष बच्चे जिनको ऐसे ही मिला बजा पकड़ा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक डेमोक्रेटिक सेक्टर है, आजाद भारत में हम रहते हैं। कहते भी मेरे को लगता है कि क्या मैं शब्द यूज करूं कि एक स्टेट की मुख्यमंत्री जो मुखिया होने के नाते एक जिद पर, हाँ जी मैंने सीबीआई निष्पक्ष जांच नहीं करवानी है। अरे भैया, जब लाखों की तादाद हजारों की तादाद में जब लोग ये मांग कर रहे हैं, और जो एक डेमोक्रेटी का कोर इश्यू होता है, जो जनमानस की जो आवाज होती है वही परमात्मा की आवाज होती है, और उसी के मुताबिक सरकार को चलना चाहिए। पर नहीं चलती है तो ये फिर दुर्भाग्य है। और हमें अपने हक के लिए, हमें तो लड़ाई लड़ने आती है, हम इंद्र के वासी हैं, और हम कोई अभी तक कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही कर रहे हैं। और मेरे को लगता है अगर ये महबूबा मुफ्ती जी सीबीआई के लिए मान जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहकर भी